नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब चैनल पर भी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों हम इस मैराथन क्लास में राजस्थान का जो इतिहास है इसमें हम मुग़ल राजपूत जो संबंध है इस आ, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है मुग़ल राजपूत संबंध राजस्थान के इतिहास में इस टॉपिक पर हम इस विषय वस्तु पर आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे तो देखिएगा उत्कर्ष के निशुल्क ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुगल राजपूत संबंध मुगल राजपूत संबंध ये हमारा टॉपिक है जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है मुगल राजपूत संबंध मुगल राजपूत संबंध देखिएगा मुगल राजपूत संबंध राजस्थान का जो इतिहास है इस राजस्थान के इतिहास में ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है मुगल राजपूत संबंध जो सब्जेक्ट है, है ना राजस्थान का इतिहास राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में मुगल राजपूत संबंध सबसे पहले इस टॉपिक की आप विषय वस्तु समझिएगा है ना इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें से आपके मानकर चलिएगा या तो एक प्रश्न या दो प्रश्न है ना इस टॉपिक में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भारत में जो मुगल राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो मुगल बादशाह बाबर के द्वारा की गई थी कहते हैं कि औरंगजेब के साथ ही मुगलों का पतन हो जाता है लेकिन जो हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाहकि हुआ करता था इन्हीं के नेतृत्व में आपको पता हो तो अठारह की क्रांति हुई थी पूरे देश में भारत में मुगल देखेगा एक तरफ हम बात करें इस राजपुताने की स्वतंत्रता से पहले की बात है बात किसकी है इस राजपुताने की बात किसकी है इस राजस्थान की राजस्थान में याद रखिएगा इस राजपुताना में अर्थात इस राजस्थान में विभिन्न प्रकार की रियासतें हुआ करती थी कौन कौन सी रियासतें थी तो मुख्य रूप से जो रियासतें थी जिनके साथ में मुगलों के साथ संबंध स्थापित हुए जैसे एक रियासत हम बात करें मेवाड़ एक राज्य था जिसका नाम था मेवाड़ राज्य मेवाड़ राज्य पर आपको पता हो तो गुहिल राजवंश ने शासन किया था एक राज्य हुआ करता था जिसे हम आमेर कहते थे कौन सा राज्य आमेर राज्य एक राज्य जिसे हम कहते थे मारवाड़ मारवाड़ राज्य या जोधपुर राज्य और एक राज्य जिसे हम कहते हैं बीकानेर अब यहाँ पर देखिएगा मेवाड़ राज्य पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का जो नाम है वो नाम क्या है गुहिल राजवंश जिस वंश ने शासन किया वो गुहिल वंश गुहिल वंश राजपूत वंश है ना जयपुर पर जिस या आमेर में जिस राजवंश ने शासन किया वो राजवंश कौन सा वो वंश कौन सा कछवाहा राजवंश मेवाड़ शोरी मारवाड़ और बीकानेर पर जिस राजवंश ने शासन किया जिस वंश ने शासन किया वो वंश कौन सा था राठौड़ वंश ये राजपुताने की रियासतें चार प्रमुख रियासतें याद रखिएगा मेवाड़ है है ना आमेर है मारवाड़ है और बीकानेर है दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं जो वंश है उस वंश का नाम क्या है मुगल राजवंश मुगल वंश मुगल वंश की स्थापना सन 1530 में औरंगजेब के साथ ही है ना 1707 में मुगल राजवंश मुगल वंश का क्या माना जाता है पतन माना जाता है मुगल वंश की जो स्थापना होती है वो सन सत सन पंद्रह किसके द्वारा की गई थी तो बाबर के द्वारा की गई थी बाबर के द्वारा की गई इस मुगल वंश की स्थापना करने वाले जो थे वो थे कौन बाबर है सो 1526 में तीस नहीं छब्बीस है ना किसके द्वारा की गई बाबर के द्वारा बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ वो बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुमायूं हुमायूं का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर अकबर के बाद में हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बने जहांगीर और जहांगीर के बाद में बने थे मुगल बादशाह शाहजहां और शाहजहां के बाद में हिंदुस्तान के जो मुगल बादशाह बने वो मुगल बादशाह बने थे औरंगजेब अब देखिएगा ये है हमारे टॉपिक इस विषय वस्तु की प्रमुख आत्मा जो ये मुगल राजवंश है या जो मुगल वंश है जिसने दिल्ली की सत्ता पर अ, अ, अधिकार किया था दिल्ली में याद रखिएगा है ना सबसे पहले बादशाहों की उपाधि धारण की थी सुल्तान की उपाधि का त्याग करके ये जो शासक है जिनका नाम है बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजा और औरंगजेब इनका जो संबंध है वो किसके साथ में है राजपूतों के साथ में राजस्थान के राजपूतों के साथ में है ना राजस्थान में इनके साथ में क्या संबंध थे या इन हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों का राजस्थान की रियासतों रियासतों के साथ क्या संबंध था वो हम अध्ययन करने वाले हैं तो आपको याद ये रखना है इन मुगल बादशाहों का राजस्थान की किस रियासत से किस प्रकार के संबंध थे किस प्रकार के संबंध नहीं थे इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो आगे बात समझ में सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिएगा मुगल एक आमेर राज्य है ना सबसे पहले हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य का जो नाम है वो राज्य का नाम क्या है आमेर राज्य है ना सबसे पहले हम बात करते हैं आमेर राज्य आमेर राज्य का एक शासक था जिसका नाम था भारमल आमेर राज्य जिसका एक शासक था जिसका नाम था भारमल भारमल को कहा जाता था बिहारी मल और बिहारी मल को क्या कहा जाता था बहारमल ये तीन नाम मिलते हैं तीन नाम मिलते हैं बारमल बिहारीमल या हम यूं कह सकते हैं बारमल ये आमेर का ऐसा राजा था या पूरे राजस्थान के जितने भी राजपूत राज्य थे उसका ऐसा पहला राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी याद रखिएगा राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी उसका नाम था भारमल बिहारीमल या बहारमल इन्होंने सबसे पहले याद रखिएगा इनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम अकबर की अकबर की सर्वप्रथम सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की अधीनता स्वीकार की मुगलों की अकबर है कौन मुगल बादशाह तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक राजस्थान का प्रथम शासक देखिएगा आमेर का प्रथम शासक तो होगा हो ही होगा लेकिन इससे पहले राजस्थान के किसी भी राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने याद रखेगा मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी इसलिए कहा जाता राजस्थान के प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की हाँ देखिएगा सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की इनकी इनका जो पुत्र था इनकी एक पुत्री था पुत्र था याद रखिएगा इनकी जो पुत्री थी पुत्री का नाम क्या था याद रखिएगा हरका बाई क्या नाम था हरका बाई इनकी पुत्री थी हरका बाई और हरका बाई का इन्होंने जो विवाह किया था वो हरका बाई का विवाह किया था अकबर के साथ अकबर के साथ याद रखिएगा हरका बाई जो थी वो हरका बाई भारमल की पुत्री थी भारमल की पुत्री थी इन दोनों का विवाह हुआ था और इन दोनों का जो विवाह हुआ था वो याद रखेगा कहाँ पर हुआ था तो इन दोनों का विवाह हुआ सांबर नामक स्थान पर सांबर जो है वो वर्तमान में कहां पर है जयपुर में और इन दोनों का विवाह हुआ था 6 फरवरी सन पंद्रह को इन दोनों का जो विवाह हुआ था वो 6 फरवरी सन पंद्रह को इन दोनों का विवाह हुआ इस विवाह के बारे में ऐसा कहा जाता है ये राजस्थान का प्रथम मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध था मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो राजस्थान का पहला शासक था वो राजस्थान का पहला शासक बिहारी बिहारीमल या बहरमल था इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी स, सन पंद्रह में ही और सन पंद्रह में ही इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो पुत्री का विवाह किसके साथ किया था अकबर के साथ में आपको पता हो तो हरकाबाई और अकबर से ही एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था जहांगीर है ना जहांगीर और जहांगीर का जो जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था इसलिए जहांगीर का जो बचपन का नाम मिलता है वो सलीम मिलता है सलीम जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनता है तब जहांगीर की उपाधि धारण करता है और जहांगीर का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है विश्व विजेता जहांगीर की जो बेगम थी उसका नाम था नूरजा और नूरजा का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता विश्व सुंदरी तो ये याद रहेगा आपको राजस्थान का पहला ऐसा कौन सा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो पहला ऐसा राजा था जो तो भारमल था और इन्होंने ही अपनी पुत्री का जो विवाह है वो पुत्री का विवाह किसके साथ में किया था अकबर के साथ में किया हम आमेर की तीन पीढ़ियां पढ़ रहे हैं याद रखिएगा है ना एक तो आपने पढ़ाई होगा भारमल के बारे में भारमल के बाद में जो आमेर का शासक बना उनका नाम था भगवंत दास क्या नाम था भगवंत दास और भगवंत दास का दूसरा नाम मिलता है भगवान दास भगवंत दास को जहांगीरनामा में भगवान दास कहा गया और भारमल को कहा गया बिहारी लाल भारमल या बिहारी लाल भगवंत के बाद में जो आमेर का शासक बना उसका नाम मिलता है मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम भी कहा जाता है मिर्जा बारमल के बारे में बात करें तो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी ये भी अकबर के दरबार में रहे थे भगवंत दास और मिर्जा राजा मानसिंह भी अकबर के दरबार में रहे और इन्होंने जहांगीर का कार्यकाल भी देखा अब आपको याद ये रखना है भारमल या बिहारी मल के पास में दो उपाधियां थी है ना ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ये मुगलों के साथ संबंध है है ना आमेर के तीन राजा है ना बारमल बारमल के बाद में भगवंत दास या भगवान दास उसके बाद में है मिर्जा राजा मानसिंह एक तो इनके पास में उपाधि थी राजा की और दूसरी इनके पास में उपाधि थी अमीर उल उमरा की एक तो इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी राजा की उपाधि और दूसरी जो उपाधि थी वो उपाधि थी अमीर उल उम्रा की उपाधि सेम वही उपाधियां ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा ये मानकर चलो है ना दो उपाधियां इनके पास में अमीर उल उमरा जो इनके पास उपाधि थी वही दो उपाधियां इनके पास मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम इनके पास में दो उपाधियां एक उपाधि जिसे कहा जाता मिर्जा राजा दूसरी उपाधि जिसे कहा जाता फर्जन अब देखिएगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इधर आइए है हेलो देखिएगा मिर्जा राजा मिर्जा राजा का अर्थ होता महान राजा ये सारी की सारी जो उपाधियां हम पढ़ रहे हैं ना ये इनको उपाधियां अकबर ने दी थी किसने दी थी अकबर ने तो ये उपाधियां इनको जो दी गई वो देने वाला है कौन अकबर मुगल बादशाह अकबर है अकबर ने भारमल या बिहारी मल को दो उपाधियां दी थी और इनको मनसब दिया था और इनको मनसब दिया था पांच हजार का कितना मनसब दिया गया पांच हजार का मनसब दिया गया आप सोच रहे होंगे मनसब का अर्थ क्या होता है मनसब में दो शब्द होते हैं जात और सवार जात का अर्थ रेंग से होता है और सवार का अर्थ होता है गुड़ सवार से मुगल बादशाह अकबर की सेना में कुल कितने गुड़ सवार रख रख सकेगा इसका निर्णय मुगल बादशाह अकबर करता था अकबर ने भारमल या बिहारी मल को पांच हजार जात और सवार देकर याद रखेगा अपना क्या बनाया मनसब बनाया था और अकबर ने इनको दो उपाधियां दी थी याद ये रखना है जो भगवंत दास थे ना भगवंत दास को भी अकबर ने पांच हजार का मनसब दिया था और दो उपाधियां दी है ना देने वाला सारा है कौन उधर बैठा है देखो अकबर मिर्जा राजा जो मानसिंह थे मिर्जा राजा मानसिंह को याद रखिएगा सात हजार का मनसब दिया गया कितने हजार का मनसब दिया गया सात हजार का मनसब दिया गया सात हजार का मनसब किसने दिया अकबर किस ने दिया था याद रहेगा आपको अकबर ने दिया तो इनको ये उपाधियां एक तो आपको ये याद रखनी है ना कौन सी उपाधि इनको उपाधियां देने वाला है कौन अकबर है किसको कौन कौन सी उपाधि दी इन दोनों को तो सेम है इनके पास में फर्जन फर्जन का अर्थ होता देतक पुत्र मिर्जा राजा का अर्थ होता है महान राजा ये दोनों उपाधियां अकबर ने दी थी आगे बात समझ में अब यदि दो बात याद रखेगा हमने इससे पहले पढ़ा था भारमल के बारे में याद आ जाइए इधर आ जाइए किसके बारे में भारमल के बारे में और भारमल के बारे में हमने ये पढ़ा कि भारमल राजस्थान का प्रथम राजपूत तो शासक था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ में करके सन पंद्रह में ही भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी तब कहते हैं कि भारमल ने विवाह कौन से स्थान पर किया था सांबर नामक स्थान पर किया ये विवाह करने के बाद अकबर ने अप, है ना किसने भगवंत दास ने भगवंत दास का ये पुत्र है जिस है ना भारमल का ये पुत्र है भगवंत दास बारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ करके अपने बेटे को बेटा कौन दास और अपने पोते को को पोता कौन मिर्जा राजा मानसिंह इन दोनों को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया था कहते हैं कि इनका जो बचपन मिर्जा राजा मानसिंह की जो बाल्य अवस्था है और भगवंत दास का जो शेष जीवन है वो अकबर के सानिध्य में बीता था ये जीवन भर अकबर के क्या बनकर रहे थे सेनापति और सैनिक बनकर रहे थे अब देखेगा हम दो वैवाहिक संबंध पढ़ रहे हैं एक तो याद रखेगा एक तो आपको मिलेगा नाम जिसका नाम है हरका बाई अब तो आप समझ गए होंगे ये हरका बाई कौन है अब तो समझ में आ गया हरका बाई कौन है तो इनके बारे में मैं पहला एक शब्द लिख सकता हूं ये आमेर की राजकुमारी थी दूसरा मैं ये लिख सकता हूं कि ये भारमल या बिहारी मल की पुत्री थी किसकी पुत्री थी तो याद रखेगा है ना भारमल की पुत्री अब समझ में आ गया ये आपके भारमल अब मत पूछना सर भारमल कौन है भारमल या बिहारी मल की पुत्री भारमल बिहारी भारमल या बिहारी मल की पुत्री आमेर की राजकुमारी आमेर की राजकुमारी इनका जो विवाह हुआ था वो विवाह हुआ किसे अकबर से तो ऐसे लिख सकते हैं ना हरका भाई का जो विवाह हुआ था वो हरका का विवाह किसके साथ हुआ अकबर के साथ हुआ इन दोनों का विवाह हुआ तो इन दोनों का विवाह हुआ कहाँ पर तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का विवाह प्रतिबोध स्थल है ना समझ गए अब सांबर झील के किनारे सांबर जो है वो सांबर वर्तमान में कहाँ पर है जयपुर में बताओ डेट क्या थी छे दो पंद्रह छ दो देखो क्या ट्रिक है है ना बासठ पंद्रह सो बासठ छ दो पंद्रह सो बासठ प्रथम मुगल राजपूत संबंध था हरका बाई के पास में जो उपाधियां थी वो उपाधियां कौन कौन सी थी एक ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है किसके पास में उपाधियां हरका बाई के पास में उपाधियां इनके पास में जो उपाधियां थी वो उपाधियां कौन कौन सी थी इनके पास में एक उपाधि थी जिसका नाम था मरियम एक उपाधि थी जिसका नाम था उजमानी एक उपाधि थी जिसका नाम था उजमानी एक उपाधि थी जिसका नाम था जोध बाई अलग है हम बाद में आएंगे इसी टॉपिक पर है ना आप आप बने रहिएगा अभी इसको केवल है ना अपने मस्तिष्क में अलग एक अलग फोल्डर में डाल लो जोधाबाई को कि जोधाबाई सर बाद में समझाएंगे जोधाबाई को बाद में समझेंगे एक उपाधि थी जिसका नाम था मरियम उजमानी फर्स्ट और सेकंड को दोनों को मिला दो तो क्या हो गई मरियम उजमानी फर्स्ट और सेकंड को मिला दो तो नाम क्या हो गया इनके पास में कितनी उपाधियां थी तो याद रखिएगा चार उपाधियां थी किसके पास में इस हरका बाई के पास में अब उपाधियां दी किसने मरियम की जो उपाधि दी वो अकबर द्वारा प्रदत्त किसके द्वारा प्रदत्त अकबर द्वारा प्रदत्त उजमानी की जो उपाधि थी वो शेख सलीम चिश्ती के द्वारा प्रदत्त शेख सलीम चिश्ती इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो आप शेख सलीम चिश्ती इनका जो मकबरा बना हुआ है वो मकबरा कहाँ पर है आपको पता हो तो यूपी में है है ना कहाँ पर है यूपी में आ, आ, यूपी में कहां पर है आगरा में अकबर ने लाल पत्रों से बनवाया जहांगीर ने तुड़वा कर उसे सफेद पत्रों में बनवा दिया था इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं कि अकबर के कोई पुत्र नहीं हुआ था अकबर और हरका बाई के कोई पुत्र नहीं हुआ था तब कहते हैं कि अकबर ने पैदल यात्रा अजमेर में खौजा साहब की दरगाह पर भी जियारत करने आए थे और अकबर इनका जो मकबरा था ये जो थे शेख सलीम चिश्ती इनके पास में भी गए थे है ना इन उस समय ये जीवित थे इनके पास में भी गए थे तब कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर और हरकाबाई के एक पुत्र का जन्म हुआ अकबर ने उस पुत्र का जो नाम रखा था वो इन्हीं के नाम पर सलीम रखा था अकबर प्यार से शेकू शेकू बाबा बाबा कहता था जब शेकु बाबा सलीम हिंदुस्तान के मुगल बादशाह बने थे तब उन्होंने एक उपाधि धारण की जिसे कहते हैं जहांगीर की उपाधि दूसरी इनके पास में जो उपाधि है जोधबाई की जोधबाई की भी उपाधि अकबर ने दी थी है ना मरियम की उपाधि देने वाला अकबर जोधबाई जोधाबाई अलग है मैंने कहा था ना एक अपने दिमाग में फोल्डर बनाओ उस फोल्डर के ऊपर नाम लिखो जोधाबाई और फोल्डर को अभी अलग रख लो है ना बाद में पढ़ेंगे एक उपाधि है उजमानी की उजमानी को उपाधि देने वाला शेख सलीम चिश्ती एक है मरियम की उपाधि अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि बताओ शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर और हरकाबाई से एक पुत्र हुआ था नाम क्या था सलीम बिल्कुल सलीम जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनता है तब कौन सी उपाधि धारण करता है याद रखिएगा जहांगीर की उपाधि धारण करता है जहांगीर जब बड़ा होता ना तो जहांगीर बड़ा होता तो हरकाबाई जहांगीर की है कौन माँ है मोम है तो जहांगीर सोचता है अकबर ने मरियम की उपाधि दी शेख सलीम चिश्ती ने यह दी तो जहांगीर ने इन दोनों को सम्मिलित करके मरियम उजमानी की उपाधि दे दी तो मरियम की उपाधि इनके पुत्र ने दी है ना शहजादे ने दी युवराज ने दी नाम क्या है जहांगीर यह चार उपाधियां है यहां तक आ गई बात समझ में अब देखिएगा इस विवाह के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिखें भाई है ना इस विवाह के बारे में हम लिखना चाहें तो क्या लिखें ऐसा लिखते हैं लिख सकते हैं क्या प्रथम राजपूत मुगल विवाह प्रथम राजपूत मुगल विवाह यही है भाई है ना प्रथम मुगल राजपूत जो विवाह है वो प्रथम मुगल राजपूत विवाह यही है तो एक तो ये गई बात समझ में आपके अब देखेगा ये विवाह आ गया हमने तीन राजाओं के बारे में पढ़ा था ना तो बारमल या बिहारीमल ने तो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया अकबर के साथ में बारमल की मृत्यु होती है है ना? फिर हिंदू फिर आमेर का राजा कौन बनता दास है ना दास का राजा बना था? आमेर का राजा बना। तो भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानी बाई या मानबाई मानी बाई या मानबाई ये जो पुत्री थी वो पुत्री थी किसकी तो याद रखिएगा इधर हम लिख सकते हैं क्या भगवंत दास या भगवान दास की पुत्री भगवंत दास या भगवान दास की पुत्री है ना भगवंत दास या भगवान दास की पुत्री नाम क्या है याद रखिएगा मानी बाई या इसे क्या कहते हैं मानबाई कहते हैं तो भगवंत दास का एक पुत्र भी तो पढ़ा देखिएगा पीछे भगवनदास का हमने एक पुत्र भी तो पढ़ा है है ना तीन राजा पढ़े थे ना हमने आमेर के तीन राजाओं में एक ये भगवनदास का पुत्र है मानसिंह और हम अभी हमने ये लिखा था कि मानीबाई जो है वो इनकी पुत्री है इसका मतलब मान सिंह और ये मानीबाई है कौन दोनों भाई और बहन है भाई है ना कौन है भाई और बहन है इनका जो विवाह किया जाता है वो इनका विवाह होता है जहांगीर के साथ में याद रखिएगा इनका जो विवाह होता है वो विवाह किसके साथ में होता है जहांगीर के साथ में किसके साथ में इन दोनों का क्या हुआ विवाह हुआ विवाह हुआ कब सन पंद्रह में हुआ था पंद्रह में भी कब हुआ था तेरह फरवरी को हुआ था है ना प्रति प्रतिबोध स्थल कहाँ था भाई बताओ प्रतिबोध स्थल लाहौर था भाई क्योंकि उस समय भगवंत दास लाहौर में थे तो लाहौर में विवाह हुआ था इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम था खुसरो ना? था खुषरो। जो खुषरो था वो खुसरो जहांगीर और मानबाई का बेटा था मैंने कहा था ना अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाओ और उसके ऊपर नाम लिखो जोधाबाई अलग रख दो तो उस फोल्डर को वापस लेकर आओ उस फोल्डर के अंदर एक और ऐड कर दो और वो ऐड करो खुर्रम एड क्या करो खुर्रम ऊपर फोल्डर बनाया था ना फोल्डर का नाम क्या है जोधाबाई और इस फोल्डर के अंदर क्या लिख दो खुर्रम है ना तो ये जोधाबाई का जो बेटा है ना वो है खुर्रम और जो जोधाबाई है ना वो जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं है जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी आगे पढ़ेंगे हम जोधाबाई का विवाह जहांगीर के साथ में हुआ था तो जोधाबाई जहांगीर की बेगम है मानीबाई भी जहांगीर की बेगम है मानी बाई और जहांगीर से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुशरो अब देखो कितना कंफ्यूजन कर रहा है? नाम एक जैसे खुर्रम और बार बार पिता कौन है जहांगीर लेकिन इन दोनों की जो माँ है वो मां अलग अलग है अब जहांगीर की मृत्यु होगी तो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह कौन बनेगा इन दोनों में से ही बनेगा तो इस ये हिंदुस्तान का मुगल बादशाह नहीं बना हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना कुर्रम और खुर्रम जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बना तो एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम था आ गई बात समझ में में तो की जो जो थी थी वो वो जोधाबाई का जो ननिहाल था वो में था मारवाड़ मेहरानगढ़ दुर्ग सांजा के जो पिता थे वो पिता जहांगीर थे सांजा का जो बचपन का नाम था वो बचपन का नाम क्या था याद रखिएगा सांजा का जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था है ना और जोधाबाई के बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे फोल्डर बना रखा ना जोदा भाई अंदर आपने खुर्रम डाल रखा है बस काफी है इन दोनों से एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम क्या था खुर्रम तो खुर्रम किसका बेटा था मान भाई और जहांगीर का बेटा था अगली बात समझ में अब देखिएगा हाँ भाई दोनों सोतेले भाई हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं अब एक बात आपकी ने समझ में आई जयपुर जो राज्य था ना उसको पहले आमेर कहते थे है ना ये हम तीनों जो राजा पढ़ रहे हैं ना वो आमेर के राजा है ये जो तीनों राजा है ना भारमल भगवन दास मिर्जा राजा मान सिंह आपके कोई अच्छी पुस्तक खरीदोगे ना तो उसमें नाम लिखा हुआ होगा आमेर के राजा क्योंकि इनके समय जो कच्छवाहा राजवंश की जो राजधानी थी वो राजधानी आमेर थी बाद में एक राजा बनेगा जिसका नाम था सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह के समय सवाई जय सिंह ने याद रखेगा जो राजधानी बनी थी वो राजधानी जयपुर बनी थी तब से ये याद रखेगा के 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 विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है बिल्कुल बुआ और भतीजी थी भाई बिल्कुल बुआ और कौन थी भतीजी थी तो इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ में और इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था याद रखिएगा किसके साथ में तो ये बात एक याद रखना इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था जहांगीर के साथ में तो आमेर से याद रखिएगा जो आमेर से है वो मुगलों के साथ में दो ये वैवाहिक संबंध आप याद रखना आगे बात समझ में अब आगे पढ़ते हैं देखिएगा अब मुगल राजपूत संबंध में एक सबसे बड़ा तगड़ा जो मोड़ आता है ना वो मोड़ आता है एक घटना और उस घटना को कहते हैं नागौर दरबार कौन सा दरबार याद रखेगा नागौर दरबार देखिएगा नागौर दरबार क्योंकि यहां से मुगलों और राजपूतों के मध्य संबंध स्थापित होंगे मुगल दरबार आयोजित हुआ सन 1570 में मुगल दरबार नागौर जो दरबार है वो आयोजित हुआ था सन 1570 में अब देखिएगा इसके बारे में हम ये पढ़े कि नागौर दरबार जो अकबर ने लगाया था नागौर दुर्ग में ये दरबार लगाया गया नागौर दुर्ग में सन 1570 में किसके कहने पर लगाया गया तो भारमल के कहने पर लगाया गया? तो गया था है ना इस आ, कि जो शिक्षा देने वाला था अकबर को कौन था याद रखेगा भारमल था इस नागौर दरबार का जो उद्देश्य रखा गया वो उद्देश्य क्या रखा गया अकाल राहत कार्य ये एक इंपॉर्टेंट है भाई प्रश्न है ना नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था अकाल राहत कार्य अकाल राहत कार्य कुमार गौरव सर लगाते हैं ना फूल पत्ती है ना चाहे फूल पत्ती लगा लो इसके ऊपर है ना अकाल राहत कार्य क्योंकि ओ, जब भी ये प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में यही आएगा है ना कि नागौर जो दरबार है इसका उद्देश्य क्या था मारवाड़ के शासकों को अपने अधीन करना ये तो अप्रत्यक्ष उद्देश्य था है ना प्रत्यक्ष उद्देश्य तो यही था लेकिन आगे किसको किया मारवाड़ में अकाल पड़ गया इसलिए मुगल बादशाह अकबर मारवाड़ के लोगों को कुछ कार्य करवा कर उनको रोजगार देना चाहता है इसलिए अकबर जो है वो नागौर दुर्ग में आना चाहता है अकबर ने आपको पता हो तो इसी दरबार के दौरान एक तालाब बनवाया और उस तालाब का नाम था शुक्र तालाब शुक्र तालाब जो बनवाया वो किसने बनवाया था अकबर ने और शुक्र तालाब बनवाया गया था नागौर दुर्ग में इसी अकाल रात कार्य के दौरान इस नागौर दरबार के बारे में एक बात कही जाती है और वो बात यह कही जाती है कि मारवाड़ के शासकों की मारवाड़ के शासकों की यह पर्तंत्रता की अंतिम कड़ी है पर्तंत्रता यानी गुलामी अंतिम कड़ी यानी इसी दरबार से जो मारवाड़ के जो शासक थे वो मारवाड़ के शासक मुगलों के अधीन हो गए इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो आमेर रियासत थी आमेर के जो कछवाहा राजवंश के जो शासक थे उन्होंने आगे होकर मुगलों के अधीनता स्वीकार की मुगल बादशाह अकबर पूरे राजस्थान को हड़पना चाहता था अकबर पूरे राजस्थान के राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था है ना मारवाड़ के राजाओं को अधीन करने के लिए यह दरबार लगाया हालांकि लोगों को बताने के लिए इसका उद्देश्य अकाल रात कार्य बताया है ना वास्तव में उद्देश्य यही था मारवाड़ के शासकों को अधीन करने लेकिन लोगों को जो कार्य बताया वो कार्य क्या बताया था याद रखेगा अकाल रात कार्य बताया ये समझ में आ गया अब देखिएगा इस नागौर दरबार में ऐसे कौन कौन से राजा थे जो मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं इसमें एक तो बीकानेर से राजा आता है एक राजा आता है और वो राजा आता बीकानेर से कौन से राज्य से बीकानेर से और बीकानेर से जो राज्य आता है जो राजा आता है उस राजा का नाम है राव कल्याणमल राव कल्याणमल तो आपको याद ये रखना है हम पढ़ेंगे आगे कि बीकानेर से बीकानेर राज्य से या बीकानेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की आप नोट करके आप एक बात यहां पर भी ये याद रखेगा बीकानेर का जो राजा था उसका नाम था राव कल्याणमल राव कल्याणमल ने अधीनता जो स्वीकार की थी वो नागौर दरबार में की थी अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है इन्होंने जो अधीनता स्वीकार की थी वो अधीनता स्वीकार की किसकी अकबर की, की अधीनता स्वीकार की इसी दरबार में जसलमेर राज्य का एक शासक जिसका नाम था राव हर राय या महारावल हर राय कौन से राज्य का जसलमेर राज्य का जसलमेर राज्य का जो शासक था उसका नाम था हर राय हर राय या इनको कहा जाता था रावहर राय इन्होंने याद रखिएगा किसकी अधीनता स्वीकार की थी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी इसके अलावा मेड़ता का एक राजा आया मेड़ता का एक राजा आया और उस राजा का नाम था वीरमदेव और विरम देव ने याद रखेगा किसकी अधीनता स्वीकार की अकबर की अधीनता स्वीकार की अब आप सोच रहे होंगे राव राव के बारे में सेन इस में इस दरबार आया था लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की है ना मारवाड़ एक राज्य है जिसका नाम था मारवाड़ राज्य उस समय मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था रावचंद्र सेन राव चंद्रसेन इस दरबार में आया था लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात कहते हैं अबुल फजल कहता है कि राव चंद्रसेन इस दरबार में आया था अकबर की अधीनता स्वीकार की लेकिन बिना बताए वापस यहाँ से भादराजून चला गया था यहीं से दुश्मनी हो जाती है अकबर और राव चंद्रसेन के मध्य लेकिन मरते दम तक राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी जबकि मारवाड़ के इतिहासकार ये कहते हैं कि जो मारवाड़ के इतिहासकार है वो मारवाड़ के इतिहासकार ये कहते हैं कि राव सेन इस दरबार में आया था लेकिन अकबर की नीतियां परखने के लिए आया था

सोई में राव चंद्रसेन का देहांत हो जाता है राव चंद्रसेन के बाद अकबर को यदि किसी ने ललकारा तो वो महाराणा प्रताप था उसके बाद में सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा था एक बात नोट करके रखिएगा राजस्थान के तीन ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, लड़ी। जिसमें से नाम आता राव चंद्रसेन जो था मारवाड़ का राजा नागौर दरबार में उपस्थित हुआ लेकिन है ना वापस चला गया बिना बताए एक दूसरे नंबर पर नाम आता महाराणा प्रताप का जो था मेवाड़ का राजा तीसरे नंबर पर नाम आता सुरतान देवड़ा का जो याद रखिएगा कांका राजा था शिरोई का राजा था तीन ऐसे राजा याद रखिएगा तीन ऐसे राजा जिन्होंने याद रखिएगा अकबर से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अकबर ने अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की अच्छा बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं सर रीट कब आएगी है ना रीट कब आएगी आज सुन लो भाई मैं बताता हूँ है ना कालिया जब पढ़ना आरंभ कर देगा पूरा सिलेबस कालिया पढ़कर कंप्लीट कर देगा तब रीट आएगी अगली बात समझ में तो देखिएगा इसमें आपको ये कन, कन, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है अब देखिएगा राव चंद्र सेन ने अकबर से दुश्मनी तो मोन ले ली लेकिन राव चंद्र सेन का एक छोटा छोटा भाई तो नहीं मोटा भाई था उसका नाम था उदय सिंह बड़ा भाई था इसका जीवन में गम यह था राव चंद्रसेन और उदय सिंह जो बेटे थे ना वो राव मालदेव के बेटे थे इनका जो पिता है ना वो राव मालदेव है उदय सिंह का गम यह है कि मेरे पिता ने मुझे राजा नहीं बनाया राजा इसको क्यों बना दिया इससे मोटा मैं हूं इससे बड़ा मैं हूं है ना तो ये जो उदय सिंह था वो उदय सिंह अकबर की सेवा में चला गया था पहले ही चला गया नागौर दरबार से पहले ही और अकबर की सेवा में चला गया जब राव चंद्रसेन की मृत्यु होती है तब अकबर इसको मोटा राजा की उपाधि देता अकबर के पास गया था ना कि मैं राव चंद्रसेन से मोटा हूं फिर भी राजा मुझे नहीं बनाया मुझे आप है ना राजा बनाओ है ना तब इसने कहते हैं कि अकबर ने इसको मोटा राजा की उपाधि दी कौन सी राजा की मोटा राजा की उपाधि दी थी और मारवाड़ का राजा बनाया था ये मारवाड़ का पहला ऐसा राजा था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया मुगल की अधीनता स्वीकार की राव चंद्रसेन ने नहीं की चंद्रसेन का बड़ा भाई था जिसका नाम मोटा राजा उदय सिंह था इसी की पुत्री, एक फोल्डर बनाया ना मस्तिष्क इसीडर भाई, उसका बेटा है खुर्रम विवाह हुआ था जहांगीर के साथ में वो इसकी बेटी थी इसने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ में किया था याद रखिएगा जहांगीर के साथ में किया यह मारवाड़ का प्रथम मुगल राजपूत संबंध है याद समझ में आ गई मारवाड़ का प्रथम वैवाहिक जो संबंध स्थापित किया मारवाड़ का राजस्थान का तो भारमल राजस्थान का जो मारवाड़ का जो किया वो किसने किया मोटा राजा उदय सिंह ने तो अब ये याद रखिएगा यदि आपसे पूछे मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था राव चंद्रसेन ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी ये शासक कहां के थे तो मारवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने जिन्होंने अकबर या मुगलों की अधीनता स्वीकार की अधीनता स्वीकार की मुगलों की या हम यू कह सकते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार की तो ये याद रहेगा इनकी जो बेटी थी बेटी का नाम क्या था याद रखिएगा इनकी बेटी का नाम इनके पास में एक तो उपाधि इनकी इनके पास में जो उपाधि थी वो उपाधि कौन सी मोटा राजा की मोटा राजा की उपाधि और मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदत्त अकबर द्वारा प्रदत्त किसके द्वारा प्रदत्त अकबर द्वारा प्रदत्त अकबर द्वारा प्रदत्त मोटा राजा की उपाधि इनकी जो बेटी थी उस बेटी का नाम क्या था जोधाबाई या इनकी जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम क्या था जोधाबाई और जोधाबाई का जो विवाह हुआ था वो हुआ था सलीम के साथ अब आप उस फोल्डर को लेकर आओ आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे ना जोधाबाई जोधाबाई जो वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जहांगीर और मोटा जहांगीर और मोटा राजा उदय सिंह की जो बेटी थी जिसका नाम था, 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 था। जोधाबाई इन दोनों का विवाह होता है इन दोनों का विवाह इन्हीं से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था खुर्रम जिसका नाम क्या था खुर्रम और खुर्रम जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनता है तब कौन सी उपाधि धारण करता है सांजा की उपाधि धारण करता है इस विवाह के बारे में यह कहा जाता है इस विवाह के बारे में क्या कहा जाता है मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश के शासकों ने मारवाड़ राज्य के राठौड़ वंश के शासकों ने मारवाड़ राज्य के राठौड़ या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं राठौड़ वंश वे राठौड़ वंश कहाँ का मारवाड़ का राठौड़ वंश वे मुगलों के मध्य प्रथम वैवाहिक संबंध मुगलों के मध्य प्रथम वैवाहिक संबंध जो प्रथम वैवाहिक संबंध था वो प्रथम वैवाहिक संबंध यही था और सबसे पहले मारवाड़ के जिस राजा ने अधीनता स्वीकार की थी वो राजा कौन था मोटा राजा उदय सिंह था ये बात समझ में आ गई हाँ भैया रोज ल, रोज लगेगी क्लास दस दिन तक लगातार मैराथन क्लास है अब देखिएगा तीन राजा ऐसे पढ़ रहे हैं हम तीन राजा एक राजा है जिसका नाम है राव चंद्रसेन एक राजा है जिसका नाम है महाराणा प्रताप और एक राजा है जिसका नाम है राव सुल्तान देवड़ा राव सुल्तान देवड़ा राव चंद्रसेन आपको पता हो तो मारवाड़ का शासक महाराणा प्रताप आपको पता हो तो मेवाड़ का शासक और सुल्तान देवड़ा अभी पूछा भी था किसी विद्यार्थी ने सर सुल्तान देवड़ा कहाँ का शासक है तो ये सिरोही का शासक है ये तीन बिल्कुल ये तीन ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई अकबर से लड़ी थी राजस्थान के ये तीन ही ऐसे शासक हुए हैं इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई अकबर से लड़ी इन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो लड़ाई किससे लड़ी थी अकबर से लड़ी थी तो याद रखिएगा ये तीन ऐसे शासक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो स्वतंत्रता की लड़ाई किससे लड़ी थी अकबर से लड़ी थी आगे बात समझ में अब देखिएगा मेवाड़ राज्य की यदि हम बात करें कौन से राज्य की मेवाड़ राज्य की और इस मेवाड़ राज्य में जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम जो है वो है गुहिल वंश या इसी को हम कहते हैं सिसोदिया वंश मेवाड़ का जो महाराणा प्रताप है हम यूं पढ़ते आए हाँ हैं कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी लेकिन महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था अमर सिंह राठौड़ अमर सिंह राठौड़ ने याद रखेगा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी अमर सिंह राठौड़ ने अमर सिंह शीशो दिया तो मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप का जो उत्तराधिकारी हुआ उनका नाम था महाराणा अमर सिंह अमर सिंह भी दो हुए इसलिए इनको कहा जाता अमर सिंह प्रथम यह अमर सिंह प्रथम है कौन महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी किसके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप के ये उत्तराधिकारी थे इन्होंने याद रखिएगा सर्वप्रथम इन्होंने या यह सिसोदिया वंश के ये सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे ये सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों में भी अधीनता जो स्वीकार की थी वो स्वीकार किसकी की थी याद रखिएगा जहांगीर की जहांगीर ने इनके साथ में संधि की थी है ना उस संधि को क्या कहा जाता है प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है तो याद रखिएगा अमर सिंह जो प्रथम थे महाराणा अमर सिंह प्रथम ये महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी हुए महाराणा प्रताप ने जीवन भर कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी लेकिन महाराणा प्रताप के बात में, बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि महाराणा प्रताप के जो उत्तराधिकारी थे वो अमर सिंह प्रथम थे उधर मुगल बादशाह अकबर के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो जहांगीर हुए थे जहांगीर ने मार मेवाड़ राज्य को टारगेट किया और मेवाड़ पर इतने आक्रमण किए इतने आक्रमण किए कि मेवाड़ की जर्जर हो गई थी अमर सिंह जो महाराणा अमर सिंह प्रथम है वो ऐसे कमजोर और आ, हम यूँ कह सकते हैं कमजोर और साहस नहीं था ऐसी कोई बात नहीं नहीं है है ना ना कमजोर नहीं था ये भी मजबूत थे ये भी थे निडर थे लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए जिसके कारण कहते हैं कि जो मुगलों की सेना थी वो मुगलों की सेना मेवाड़ में आती थी फसलों को जला देती थी आ, जो आम जन था जो जनता थी उनको परेशान करती थी इसी कारण मेवाड़ के सरदार के कहने पर इनके उत्तराधिकारी हुए इनका जो बेटा हुआ है युवराज इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था कर्ण सिंह कर्ण सिंह के के कहने पर उस समय मेवाड़ मेवाड़ सेना का का जो सेनापति था था उसका नाम हरिदास झाला झाला परिवार सिसोदिया वंश में याद रखेगा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए उनके कहने पर अमर सिंह राठौड़ ने मुगल बादशाह जहांगीर से संधि की थी लेकिन इन, इस संधि का इनको इतना दुख हुआ इतना दुख हुआ कि इन्होंने राज्यपाठ से सन्यास ले लिया था और ये पहाड़ों में चले गए गंगोद नामक स्थान पर और जो स्थान है वो आहाड़ उदयपुर में है और वहां पर इनका अंतिम समय बीता था वहीं पर सन 1620 में इनका देहांत हुआ था इन्होंने इनके नाम से जो संधि हुई थी उसको प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है तो एक यह भी याद रखेगा प्रथम मुगल मेवाड़ संधि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है ना जो प्रथम मुगल मेवाड़ जो संधि है यह संधि एक तो इसमें याद रखेगा इस संधि की जो डेट है वो डेट क्या है इस संधि की जो डेट है वो डेट क्या है इस संधि की जो डेट है वो है पांच फरवरी सन सोलह सो पंद्रह पांच फरवरी सन सोलह सो पंद्रह यह संधि हुई किस किस के मध्य महाराणा अमर सिंह प्रथम अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य हुई थी है ना जहांगीर के मध्य ये इनके मध्य क्या हुई थी संधि हुई थी इस संधि की कुछ शर्तें थी है ना इस संधि की कुछ प्रमुख शर्तें थी पहली प्रमुख शर्त की बात करें तो इसमें शर्त ये रखी गई थी कि सिसोदिया वंश या मेवाड़ का महाराणा मेवाड़ का महाराणा मुगलों के साथ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई तो यहाँ पर एक बात आपके है ना दिमाग में बैठ गई कि कभी भी मेवाड़ की कोई भी राजकुमारी नहीं है जो मुगलों के हरम में गई है मेवाड़ में किसी भी राजा ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे दूसरी शर्त ये थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है वो कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा जो मुगल दरबार में उपस्थित होगा वो मुगल दरबार में उपस्थित जो होगा वो होगा युवराज है ना मुगल दरबार में जो उपस्थित होगा वो कभी भी मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा बल्कि कौन होगा युवराज होगा अब यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है तो महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा और संधि करने वाले कौन अमर सिंह तो जो युवराज थे वो युवराज कौन थे अमर सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था युवराज कर्ण सिंह यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है मेवाड़ का प्रथम महाराणा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था महाराणा कर्ण सिंह क्योंकि जब मुगल ये युवराज थे तब मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे जहांगीर के मुगल दरबार में कहां पर आ, अजमेर में तब एक दिन अमर सिंह के बाद में ये मेवाड़ के शासक बनेंगे तो इनके साथ में ये तथ्य जुड़ेगा कि मेवाड़ के प्रथम महाराणा जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे वो कौन थे याद रखेगा कर्ण सिंह थे है ना मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले प्रथम महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले जो प्रथम महाराणा थे वो प्रथम महाराणा कौन थे कर्ण सिंह थे ये याद रखना आपको कर्ण सिंह प्रथम ऐसे महाराणा थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले जो प्रथम महाराणा थे वो प्रथम महाराणा थे कौन तो याद रखिएगा युवराज अमर सिंह सॉरी युवराज अमर युवराज कर्ण सिंह जो किसके उत्तराधिकारी थे अमर सिंह प्रथम के उत्तराधिकारी थे तो दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी आप भी अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करते रहिएगा है, है ना आज हम इस क्लास में मुगल राजपूत जो संबंध है इनके बारे में हमने अध्ययन किया है बाकी का जो है वो बाकी का हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ए, किसी नए टॉपिक के बारे में और चर्चा करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण है ना महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टि से ये आपका रिकॉल हो रिवाइज हो इसके लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध साबित हो सकती है तो आप भी रोजाना जुड़िएगा उत्कर्ष परिवार के साथ में और उत्कर्ष परिवार के प्रति आप भी अपना प्रेम बना कर रखिएगा कल हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार